नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक प्रमुख खबरों को। महाराष्ट्र में ठाणे जिले की महिला विधायक गीता जैन मंगलवार को खूब चर्चा में रही। चर्चा इसलिए हो रही थी कि वह अपने पद की मर्यादा भूलकर एक सरकारी इंजीनियर को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मार बैठी। इस घटना का वीडियो सामने आने पर गीता जैन की काफी आलोचना भी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने अपने देश में कहा है कि हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा कि जो जोड़ता है वह योग है, इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का होता है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। भारत सरकार ने अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन को देश में प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। माइक्रोन का यह प्लांट सेमीकंडक्टर बनाने का नहीं होगा बल्कि टेस्टिंग और पैकेजिंग के लिए होगा। इसके लिए कंपनी ने भारत में $2.7 बिलियन का निवेश करेगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है। आतंकवाद पर अपने रुख को लेकर चीन एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। चीन ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी लश्कर ए तैयबा के आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के प्रस्ताव पर रोक लगा दिया है। भारत और अमेरिका की ओर से लश्कर आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में लाया गया था, लेकिन चीन ने हमेशा की तरह वीटो पावर लगाकर प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इससे एक बार फिर साबित हो गया है कि चीन आतंकवादियों के साथ खड़ा है। हवाई अड्डे पर भीड़ को कम करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस बीच अब यह तकनीक सामने आया है कि आपका चेहरा ही बोर्डिंग पास होगा, जिससे एयरपोर्ट पर भीड़ नहीं लगेगी। यह तकनीक एयरपोर्ट पर लगने वाली भीड़ को 30% तक कम कर देगा। आपके फोन पर डीजी यात्रा ऐप आपको अपना बोर्डिंग पास पंजीकृत करने, अपना चेहरा स्कैन करने की अनुमति देगा। यह आधार के आपके बायोमेट्रिक्स के साथ चेहरे को प्रमाणित करता है और डीजी यात्रा द्वारा सक्षम यात्री के रूप में खुद को पंजीकृत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात की। दौरान एलन मस्क ने बताया कि वह अपने अगले साल भारत आने की योजना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी मुलाकात के बाद एलन मस्क ने कहा कि यह बेहतरीन और बहुत अच्छी बातचीत थी। उन्होंने कहा कि मैं अगले साल भारत आने की योजना बना रहा हूं। पूरी दुनिया में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार के योग दिवस 2023 का थीम योग फॉर वसुदेव कुटुम्बकम है। भारत समेत पूरे विश्व में योग का खुमार छाया हुआ है। लोग अभी से ही योग करने लगे हैं, जिसे लेकर कई वीडियो भी सामने आए। इस बीच इंटरनेशनल योग दिवस से एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार को दुनिया को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि हम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एकता की भावना को अपनाएं और लोगों तथा खुद के लिए एक बेहतर, अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने का संकल्प लें। पटना मेट्रो का सफर दिव्यांगों के लिए भी आसान होगा। इसके लिए पटना मेट्रो के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पटना मेट्रो की निर्माण कंपनी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार शहरी माहौल में दिव्यांग लोग चलने फिरने में अस्थायी रूप से असमर्थ और बुजुर्गों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पटना मेट्रो में अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। पटना मेट्रो को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया जाएगा। अमेरिकी कांग्रेस की महिला सांसद इलहान अब्दुल्लाही उमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का बहिष्कार किया। उन्होंने ट्वीट कर धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन करने वाला नेता करार दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया है, हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी समूहों को गले लगाया है। उनकी सरकार ने पत्रकारों और मानवाधिकार की पैरवी करने वाले कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को लागू करने में राज्य सरकार के समक्ष राशि की कमी आड़े आ रही है। इसके अलावा पहले से चल रही योजनाओं को आगे बढ़ाने में भी धन का संकट है। इस तरह केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भी दिल्ली ने राशि कटौती के संकेत दिए। इससे कई केंद्र प्रायोजित योजनाएं भी लंबी खींच सकती हैं, जैसे कि जलवायु अनुकूल खेती, जैविक खेती आदि। यह परेशानी बिहार में डबल इंजन की सरकार बदलने के बाद केंद्र सरकार द्वारा मुट्ठी बंद किए जाने को लेकर के उभरी है। कटिहार रेल मंडल अंतर्गत दालकोला स्टेशन के समीप मंगलवार को बड़ा हादसा होने से बच गया। गुवाहाटी जम्मू तवी लोहित एक्सप्रेस तेज गति से आ रही थी, जिसका दालकोला में ठहराव नहीं है। इस दौरान कपलिंग खुलने से लोहित एक्सप्रेस के आधे कोच पीछे छूट गए। वह इंजन शेष बोगियों को लेकर 100 मीटर तक आगे चला गया। घटना किशनगंज रेलवे स्टेशन से महज 25 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम बंगाल के दालकोला रेलवे स्टेशन के समीप का है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को अहम बताते हुए दोनों देशों के बीच रक्षा और व्यापार सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की उम्मीद जताई है। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोयल ने कहा कि पीएम का अमेरिकी दौरा अहम रहने वाला है। 140 करोड़ भारतवासियों की ताकत पूरे विश्व में लोगों को भारत की तरफ आकर्षित कर रही है और पूरा विश्व बहुत ही अपेक्षा के साथ भारत की तरफ देख रहा है। केंद्रीय रिजर्व बैंक के टॉप ऑफिस में मंगलवार को एक नई नियुक्ति हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर स्वामी नाथन जानकी रमन
आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने स्वामीनाथन जानकी रमन मुकेश कुमार जैन की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 22 जून को खत्म हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत का आगे जाना असुरी शक्तियों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनका प्रयास भारत को तोड़ने का है। उन्होंने बिना किसी देश का नाम लिए कहा है कि अपने स्वार्थ को साधने के लिए समाज को तोड़ने की कोशिश देश के बाहर से हो रही है। कलयुग में मिलजुल कर रहना सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। कोविड-19 स्थानिक बीमारी बनने के कगार पर है, लेकिन देश के वैज्ञानिक इसके हर नए वेरिएंट को लेकर कड़ी नजर रख रहे हैं। साथ ही सरकार भी हाई अलर्ट जारी रखेगी। साथ ही उन्होंने कोविड वैक्सीन के कारण हाल ही में हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी की खबरों को भी खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदू सेना की तरफ से आदि पुरुष फिल्म को लेकर दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। इस मामले में हिंदू सेना ने फिल्म आदि पुरुष पर बैन लगाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आदि पुरुष फिल्म रिलीज हो चुकी और ऐसे में जल्द सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है। इन दिनों इसी से जुड़े साइबर फ्रॉड के मामले खूब सामने आ रहे हैं। यूजर्स को व्हाट्सएप का कलर चेंज कर पिंक करने के नाम पर लिंक भेजे जा रहे हैं। इसके बाद डेटा लीक के साथ बैंक फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है। साइबर फ्रॉड की ओर से दावा किया जा रहा है कि यह व्हाट्सएप का ऑफिशियल अपडेट है, हालांकि यह हैकर्स की तरफ से भेजा जाने वाला मालवेयर है। इसे ऑफिशियली व्हाट्सएप लॉन्च पिंक व्हाट्सएप विद एक्स्ट्रा न्यू फीचर्स मस्ट ट्राई दिस, इस तरह की टेक्स्ट के साथ भेजे जा रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद करीब 60 घंटे से खालिस्तान आतंकवाद का मोहरा गुरपवंत सिंह पन्नू अंडरग्राउंड हो गया है। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक पिछले 4 महीनों में 5 बड़े खालिस्तानी आतंकियों की विदेश में हत्या, फिर संदेहास्पद मौत के बाद फर्जी प्रोपेगेंडा की चाल में माहिर पन्नू को अपनी मौत का डर सता रहा है। इस बीच अब जब निज्जर की हत्या होने से पन्नू के होश उड़ गए, जो पन्नू कभी सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़कर भारत विरोधी एजेंडे को खालिस्तान समर्थन की आड़ में हवा देता था, वह पिछले 60 घंटों से खामोश है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण और रेसलर्स विवाद में पहलवान साक्षी मलिक और बबीता फोगाट आमने सामने हो गई है। बबीता फोगाट ने जमकर साक्षी मलिक को फटकार लगाई है। बबीता ने साक्षी को चुनौती दी कि राजनीति करनी है तो खुलकर मैदान में आइए, आपकी बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप पहलवान के पक्ष में है या फिर कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर बयान दे रही हैं। जम्मू और कश्मीर की रहने वाली मैं 23 साल की आकृति शर्मा ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट क्रैक कर डाला है, जिसके बाद वह अगले महीने एक फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। आकृति ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और नेशनल क्रेडिट कॉर्पर्स को दिया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का कहना है कि जब वह सत्ता में थे तो भारत के साथ कश्मीर मसले के समाधान पर काम कर रहे थे। इसके तहत भारत सरकार कश्मीर मुद्दे के लिए एक रोडमैप पेश करने की तैयारी में थी और प्रधानमंत्री इस्लामाबाद का दौरा भी करते। उन्होंने दावा किया कि शांति प्रस्ताव को पाकिस्तान के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा का भी समर्थन हासिल था। यही नहीं, भारत ने जब अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था, तब भी पाकिस्तान इस दिशा में बढ़ना चाहता था। इमरान खान ने एक अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल को दिए इंटरव्यू में ये दावे किए हैं। 21 जून को G20 मीटिंग की शुरुआत राजधानी पटना के एक पॉश होटल में वेलकम डिनर और सांस्कृतिक परफॉर्मेंस के साथ होगा। बिहार के कलाकार की ओर से इसको लेकर विशेष तैयारी की गई है। सांस्कृतिक शो के क्रिएटिव डायरेक्टर सुबोध पोद्दार के अनुसार दर्शक दूसरे दिन ज्ञान भवन में बिहार में लुप्त हो रहे कठघोरवा डांस को देखेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक एनिमेशन वीडियो जारी किया। इस वीडियो में दिखाया गया कि कैसे पिछले 30 सालों में समुद्री जल स्तर 10 सेंटीमीटर बढ़ गया, यानी करीब 3.5 इंच। यह एक खतरनाक स्थिति है। अगर इसी तरह से समुद्री जल स्तर बढ़ता रहा तो हमारी दुनिया के कई देश द्वीप और तटीय इलाके डूब जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। बुधवार को दिल्ली पुलिस के आउटर डिस्ट्रिक्ट PCR को रिसीव हुए कॉल में कहा गया है कि पीएम मोदी को बिहार के CM नीतीश कुमार को और देश के गृह मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई। पीएम गृह मंत्री और बिहार के CM को धमकी मिलने के बाद तुरंत एक्टिव हुई दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक टीम का गठन किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र की सियासत में प्रवर्तन निदेशालय के नाम से ही हड़कंप मच जाता है। बीते कुछ सालों में NCP शिवसेना और कांग्रेस के कई नेताओं पर ED का शिकंजा लगातार कसा है। इसी बीच ED ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि मुंबई में कई ठिकानों पर ED ने छापेमारी की है। छापेमारी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चव्हाण के अलावा संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के यहाँ होने की जानकारी सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए भारतीय संस्कृति और परंपरा को पूरे विश्व में पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले नाबालिग पहलवान की प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है। पॉक्सो मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली। दिल्ली पुलिस की तरफ से पटियाला
हाउस कोर्ट में दाखिल 550 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया कि नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान के तहत जनसभा आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, यूपी लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितेंद्र प्रसाद समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सपा नेता अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोगों और विभिन्न धार्मिक संगठनों से विचार मांगे, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं और इसे लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सबके बीच अब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह ने मीडिया से खास बातचीत में यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी बताया है। कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे ने बकरीद को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से बजरंग दल और गौ रक्षकों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं ऐसे लोगों को पीट कर सलाखों के अंदर डाल दो। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अंकित, नुन्नू, गोलू कुमार, नवनीत, दीपक। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौजूद सड़कों की क्या हालत है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।